आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 2021 और 22 का राजस्थान का जो बजट पेश किया, लोगों को बहुत आशाएं थी, लेकिन कोरोना काल की मंदी की वजह से जहाँ केंद्रीय सरकार और राजस्थान सरकार आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है और इस तरीके का कोई लुभावना बजट जो मुख्यमंत्री जी ने आज पेश किया है, खासकर से कोटा वासियों को आशा थी कि इस महंगाई के दौर में और छोटे व्यापारियों को एक उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन कोटा के लिए कोई नया डेवलपमेंट नहीं दिया है। चाहे वो आप व्यापारिक सेक्शन में देख लो, ना तो कोई औद्योगिक क्षेत्रों को यहाँ बढ़ावा दिया है, ना कोई रियायत दी गई है यहाँ के उद्यमियों को इस तरीके की छूट देने की, और जो छोटे व्यापारियों को आशाएं थी कि कुछ ना कुछ यहाँ हमारे व्यापारियों को राहत दी जाएगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसी भी कोई घोषणा नहीं की गई है। तो हम लोगों को कई उम्मीदें थी, सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की व्यापार एवं उद्योग जगत को राहत नहीं दी गई। वर्तमान परिस्थितियों में हमने यही सोचा था कि एक साल की जो हमारे निवेश पे जिसका में एक पैसे का रिटर्न नहीं मिला और उसकी इतनी बड़ी मात्रा में हमारे ऊपर जिम्मेदारी आज बढ़ी हुई है, किस्तें चुकानी है, पैसे देने हैं, तो उसको लेकर किसी भी प्रकार की एक मांग हमारी थी कि भाई जो भी हमारा निवेश है या बैंकों का ब्याज है उसको या RFC का ब्याज है उसे ब्याज मुक्त किया जाए और इस साल का ब्याज नहीं लिया जाए। टैक्स का ढांचा है उसको एज इट इज रखा गया है, टैक्स में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल जो आज आग की तरह आगे बढ़ रहा है उसके लिए आम जनों की, व्यापारी एवं उद्यमियों की राहत देने के लिए एक मंशा थी, उस पर किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है, मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि व्यापार एवं उद्योग जगत जो एक आशा लगा के बैठा था उनकी आशाओं पे ये बजट निराशाजनक साबित हो रहा है। इसमें न किसानों के लिए कुछ है, न व्यापारियों के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है। बजट शून्य जैसा है, किसी तरह की कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। इन्होंने किसानों के लिए जो घोषणा की थी हम ऋण माफ़ कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई ऋण माफ़ी नहीं हुई। मुझे लगता है सारा खजाना इन्होंने जोधपुर के लिए खोल दिया, कोटा के लिए सौतेला व्यवहार किया है, दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया है, कोटा के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। हमारी वर्षों से जो उम्मीद थी एयरपोर्ट के लिए ज़मीन देंगे, एयरपोर्ट का रास्ता खुलेगा, लेकिन उसके लिए भी ज़मीन की घोषणा नहीं की गई। किया है विशेषकर महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, और कोटा का नाम मेरे शायद में एक बार भी नहीं आया है। कोटा में बहुत बड़ी मांग थी कि एयरपोर्ट की, पर एयरपोर्ट के लिए इन्होंने ज़मीन का कोई प्रावधान नहीं रखा है। केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है, पर राजस्थान सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही, जो यहाँ के लिए बहुत बड़ा छलावा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा में इन्होंने, कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव लड़ा था तो बहुत बड़े बड़े बिजली के बिलों के लिए वादा किया था, पर बिजली के दरों में कोई इन्होंने कटौती नहीं की है, और इसके दरों में कटौती नहीं करके कोटा की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। आज का बजट देख के बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जो बजट था बिल्कुल लुभावना बजट था। कोटा के अंदर NIT के लिए जो बिल्डिंग के लिए राज्य सरकार को बजट देना चाहिए था वो बजट न देकर, और कोटा के साथ एक बहुत बड़ा अलग से सौतेला व्यवहार किया गया है। और राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स जोधपुर के अंदर सारी सुविधाएं स्पोर्ट्स के अंदर देकर, कोटा के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर जो स्टेडियम अधूरा पड़ा हुआ है उसके पुनः उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। कोटा के इस स्टेडियम के लिए बजट देना चाहिए था, स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं किया। सब और जगह पर नए नए कॉलेज खोल दिए, जबकि कोटा के अंदर अलग से महिलाओं के लिए एक नया कॉलेज खोलना चाहिए था, नए कोटा के अंदर एक कॉलेज होना चाहिए था कि नए कोटा के जो महिलाएं हैं खास तौर पर लड़कियां इस युग के अंदर JDB कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने आती थी, एक PG स्तर का कॉलेज कोटा में खुलना चाहिए था जिसकी बहुत ही अति आवश्यकता थी। राज्य सरकार ने कोटा के साथ बहुत ही गलत कार्य किया है।